चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम तुमको 9.1 तक का बता दिए थे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो हम तुमको उसमें क्या बताया था कि एंड टर्म क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एपी की। एपी में क्या होता है कोई भी सीरीज गिवन रहता है, ठीक है, सॉरी कोई भी सीक्वेंस गिवन रहता है, तो अगर उसके बीच में हम लोग अगर प्लस माइनस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सीरीज बन जाता है, ठीक है। और एपी की खासियत क्या होती है, किसी भी सीक्वेंस के दो बीच कोई भी नंबर के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे कि मान लो ए बी सी मेरा एपी में है, ठीक है। अगर तीन नंबर कोई मेरा एपी में है तो क्या बोले, किसी भी दोनों मतलब लगातार दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम बी में से ए घटाएं तो जो मेरा कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वही सी में से बी घटाने पे सेम कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम लोग इस टॉपिक में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर b माइनस ए करते हैं तो क्या आएगा, d, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस d। और c माइनस b भी करेंगे तो क्या आएगा, d। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। और ये हर एक नंबर के लिए रहेगा, जैसे यहाँ तीन नंबर का ए पी है तो तीन के लिए कर दिया, अगर चार पांच नंबर होता तो एक चीज़ और आ जाता, जैसे मान लो इसमें चार नंबर रहता ए बी सी डी तो क्या होता, तो डी माइनस सी भी इन सब के इक्वल होता, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं डी माइनस सी भी इक्वल होगा किसके, सॉरी डी तो कॉमन डिफरेंस ले लिए ना, तो डी की जगह तुम कुछ और ले लो, ई ले लो, तो ई माइनस सी भी क्या आएगा, सब कांस्टेंट होगा, सब किसके इक्वल होगा, डी के। याद रखना माइनस किधर से कर रहा है, इस साइड से माइनस करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। अभी जैसे देखो, मान लो हमको प्रूव करना हो कि एक तीन पाँच सात एपी में है कि नहीं, तो क्या करें तो हम क्या करें, सबका कॉमन डिफरेंस अगर दिखा दिए, अगर इक्वल है तो मेरे एपी में हो जाएगा, तो क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ो, 3-1 कितना हो रहा है, 2। फिर इन दोनों को पकड़ो, 5-3 क्या हो रहा है, 2। फिर पकड़ो इसको 5 और 7 को, 7-5 क्या हो रहा है, 2। तो ये सारे कैसे हैं, इक्वल है, मतलब ये एपी में है। एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो एपी में नहीं है, ठीक है। पर इसका टेंशन मतलब ये कहीं कहीं प्रूविंग टाइप में आएगा, तो तुमको याद रखना होगा क्या, ये वाला चीज इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, इक्वल करके। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, हम क्या बोले थे, अगर तीन नंबर एपी में है, अगर ये एपी है तो क्या हो रहा था, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। तो बी को इधर बुला लो इस साइड, तो बी प्लस बी और ए इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ए प्लस सी, तो क्या हो गया, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ये वाला चीज और ये वाला चीज याद रखना, अगर किसी भी तीन चीज को प्रूफ करने आया है वो एपी में है कि नहीं है, तो तुमको क्या करना होगा, या तो ऐसे शो कर दो, क्योंकि तीनों एक ही बात लिखा हुआ है, ये भी और ये भी एक ही बात है, तो किसी को भी यूज करके तुम शो कर सकता है कि तीनों एपी में है। ये क्या है, कंडीशन फॉर एपी, कंडीशन फॉर एपी, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, अगर हमको किसी भी चीज़ को दिखाना है वो एपी में है कि नहीं, तो हम लोग कैसे, मतलब अब ये तो सिंपल सी बात होगी, जो पहले वाला जितना भी बात बताएं वो सब किसी एक दो चीज़ के लिए ठीक था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बड़ी चीज़ों के लिए बात करते, जैसे एन नंबर ऑफ टर्म्स रहा तो क्या करेंगे, तो मान लो पहला टर्म अगर क्या होगा अभी तो A1, दूसरा टर्म क्या होगा A2, तीसरा टर्म क्या होगा A3, A4, A5, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक, An, ठीक है। तो तुमसे हम पूछे भी थे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, एंड टर्म्स हैं, ठीक है, कितने टर्म्स हैं, एंड टर्म्स। तो अगर मान लो मेरा फर्स्ट टर्म ए हो, फर्स्ट टर्म क्या हो ए,
पर इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ठीक है। और ये सारे किस में, एपी में, ये सारा चीज एपी में। अगर मेरा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम इन सब चीजों को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां देखना, इन सब चीजों को कैसे लिख सकते हैं। अब ए वन क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म खुद क्या है, ए, तो ए इसको ए लिख दिए। अब बात करो ए टू की, ए टू क्या होता है, इससे डी ज्यादा, क्योंकि दोनों को डिफरेंस करेंगे तो डी आएगा, ठीक है। यहां देखो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो ए टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वन प्लस डी, और ए वन खुद क्या था, ए, ए वन खुद क्या था, ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ठीक है। अब ए थ्री की बात करो, तो ए थ्री की बात करो, ए थ्री की, तो ए थ्री के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू डी, क्योंकि इनका भी कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा। तो ए थ्री क्या है, ए थ्री निकालना है, ए थ्री को ए थ्री करें और ए टू को उधर भेज दिया, तो ए टू प्लस डी। अब ए टू क्या है, ए टू क्या आया था यहाँ सॉल्व करके, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी प्लस डी, तो ये कितना हो गया, ए प्लस टू डी, ठीक है। उसी तरह ए थ्री को हम लोग ए प्लस टू डी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, ए टू को क्या लिख सकते थे, ए प्लस डी, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, तो ए फोर को क्या लिख सकते हैं, सोचो, ए वन में कोई डी नहीं, ए टू में एक डी, तीन में दो, तो चार में तीन डी, मतलब एक कम डी, जो भी टर्म हमको लिखना होगा उसमें क्या करना है, बस एक कम डी करते जाना है। तो टू के लिए वन डी, थ्री के लिए टू डी, फाइव, फोर के लिए थ्री डी, फाइव के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस फोर डी, एक कम डी। तो सोचो ए एन के लिए क्या लिखेंगे, ए एन के लिए एक कम डी, तो यहाँ कितना डी है, इसके हिसाब से तो एन डी होना चाहिए, पर एक कम डी, तो मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन टर्म मेरा क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए एन क्या था मेरा, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म या एन टर्म, ठीक है। तो अब यह ए पी का ये फॉर्मूला बन गया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ ए एन निकाल के इसका करना क्या है, ये तो हम निकाल लिया, अब इसका करना क्या है, ए एन से हमको क्या पता चलेगा, तो तुमको हम पहला दिन भी समझाया था जब इसको स्टार्टिंग किए थे, कि अगर लास्ट टर्म निकालने का मतलब होता है, अगर हम उसमें एन की जो वैल्यू पुट करेंगे वो उस नंबर के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, मतलब उस टर्म के जगह क्या नंबर रहा होगा वो बताएगा, ठीक है। ये निकालने का क्या मतलब है कि ए एन में, अगर ए एन में, एन में वन डालेंगे तो ये पहला नंबर पर बताएगा कि पहला नंबर मेरा क्या था। एन टर्म निकालने का मतलब ये होता है, या लास्ट टर्म निकालने का मतलब ये होता है कि अगर हम उसमें पुट करें जो भी नंबर, जो भी नेचुरल नंबर पुट करें, तो वो उस नंबर के जगह पे, सॉरी, उस टर्म के जगह पे कौन सा नंबर रहा होगा वो बताएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ए वन लिखते तो ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म, पहला नंबर पर जो टर्म है फर्स्ट टर्म, ए टू का मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है। तो उसी तरह ए फाइव का मतलब फिफ्थ टर्म। तो अगर देख रहे हो ना, यहाँ पे हम जो नंबर लिख रहे हैं वो टर्म बता रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, बहुत इजी लगेगा, और एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, फोर ए पी फोर कॉमा सेवन कॉमा टेन और डॉट 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 गया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बता दिया कि ये ए पी में, मतलब जो भी डिफरेंस रहा होगा तुमको चेक करने का जरूरत नहीं है, वो ए पी अगर लिख दिया तो समझ जाओ कि सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, सेम ही रहा होगा। तो किसी भी दो नंबर के बीच का निकाल लो तो वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो सेवन माइनस फोर करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, थ्री, ठीक है। पर तुम चेक करने के लिए क्या कर लो, टेन माइनस सेवन भी करके देख लो, वो भी थ्री आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा, थ्री। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, ठीक है, डी आ गया। अच्छा, अब क्या और क्या है, फोर, फोर क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, मतलब ए भी मेरा क्या आ गया, फोर, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम निकाल लिए क्वेश्चन को देख के, ए आ गया और डी आ गया। अब हमको करना क्या है, अब क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ इलेवन टर्म क्या होगा, इलेवेंथ टर्म, इलेवन टर्म बता दो, तो इलेवन टर्म पूछ रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखे थे कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी,
अब हमसे क्या पूछ रहा है, इलेवन टर्म, इलेवन टर्म का मतलब अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, ए फाइव का मतलब फिफ्थ टर्म, तो इलेवन टर्म, तो ए इलेवन पूछ रहा है, ठीक है, तो ए इलेवन, एन की जगह क्या आ गया इलेवन, तो ए कितना है मेरा यहाँ पे फोर, यहाँ भी निकालें, प्लस एन की जगह क्या है इलेवन, तो इलेवन माइनस वन, और डी कितना है थ्री, ठीक है। और तुमको ऐसे भी समझाया था थोड़ा देर पहले कि जो भी टर्म पूछ रहा उससे एक कम डी, टू पूछ रहा था तो डी, थ्री पूछ रहा था तो टू डी, तो सोचो ना इलेवन पूछ रहा होगा तो टेन डी, तो उसी तरह यहाँ पे इलेवन पूछ रहा होगा तो टेन डी आएगा, देखना ये इलेवन माइनस वन कितना हो गया टेन, और ये थ्री क्या है डी है तो टेन डी, और ये प्लस फोर तो कितना हो गया थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर, तो इलेवन टर्म मेरा क्या हो गया थर्टी फोर। अब तुम एक चीज़ ट्राई करना, तुमको देखो चेक करना है ना सेकंड टर्म वही आ रहा है कि थर्ड टर्म वो आ रहा है कि नहीं, तो क्या करो, तुमको दिख रहा है सेकंड टर्म क्या है मेरा सेवन, तो मतलब अगर इस फॉर्मूला में अगर हम टू पुट करें तो सेवन आना चाहिए, है ना, तो ए क्या है फोर प्लस टू सेकेंड नंबर है, तो टू माइनस वन, डी कितना है थ्री, तो फोर प्लस टू में वन गया वन, वन इंटू थ्री कितना हो गया थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, दो सेवन आ गया। अब मान लो तुमको टेन के लिए भी चेक करना है, तो तुमको दिख रहा है तीसरे नंबर पर टेन है, तो ए थ्री, ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए कितना है फोर प्लस एन माइनस वन, थ्री माइनस वन डी, डी कितना है तीन, देख लो फोर प्लस तीन में गया दो इंटू तीन, ये छः हो गया, छः प्लस चार दस आ गया, ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सम ऑफ एन टर्म, तो तुमको पता था नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे एन, एन टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एन ही होंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या क्या लिखे थे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव अप टू कहाँ तक लिखे थे ए एन तक लिखे थे, तो क्या बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म मतलब इनका सबका सम, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि एस एन एन टर्म तक का सम, और इससे पहले भी तुमको बताया था कि यहाँ पे जो लिखा रहता है अप टू वो होता है सम में, अगर एस टू लिखा हुआ है तो अप टू टू टर्म तक का सम, थ्री लिखा हुआ है तो अप टू थ्री टर्म्स तक का सम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है एस एन मतलब सबका सम करके दिखा, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव डॉट 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 अप टू ए एन तक का सम बता दो, ठीक है। तो ए वन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म क्या था मेरा, जैसे वहाँ पर लिए थे ए, और कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो ए वन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये खुद है तो ये ए हो गया, ए टू क्या था एक कम डी ए प्लस डी, ए थ्री क्या था एक कम डी टू डी, ए फोर कितना हो जाएगा ए प्लस थ्री डी प्लस डॉट डॉट डॉट, और ए एन क्या होगा एक कम डी ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसको सम करोगे तो क्या आएगा, ए कितनी बार आ रहा है सोचो एन बार, ठीक है। अब खुद सोच, और किस में ऐसा प्लस में, तो अगर दो बार ए प्लस में रहता है तो लिखता है क्या टू ए, तीन बार ए रहता है प्लस में तो क्या लिखता है थ्री ए, तो एन बार रहा होगा तो क्या लिखेगा एन ए, ठीक है। तो ए सब सब ए के लिए क्या हो गया एन ए हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा डी डी डी, तो क्या करो डी सब में से कॉमन ले लो जितना बाकी डी बचा, और उसके जगह पे क्या बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस, अच्छा डी कितनी बार आ रहा है ये देखो, तो डी कितनी बार आ रहा है सोचो, ए तो एन बार आ रहा था क्योंकि ए सब में था, पर डी कितनी बार आएगा एन माइनस वन बार, क्योंकि इसमें तो डी है ही नहीं, इस वाले में डी तो है ही नहीं, तो एक कम बार आ रहा होगा, मतलब कितनी बार एन माइनस वन बार आ रहा होगा, ठीक है। अब डी में वापस से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो ये सब टर्म बनता जाएगा, देखो डी डी टू डी डी थ्री थ्री डी डी फोर फोर डी, ये सब आते जाएगा डी और एन माइनस वन डी, ये वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब इनको सम करना है, तो तुमको पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तक का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये होता है, ठीक है। अब इसको इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है अभी तुमको, तुम डायरेक्ट याद रखो क्या फॉर्मूला होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है सम का, या फिर टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, एन बाय टू ए प्लस ए और प्लस एन माइनस वन डी, बस टू ए को ए प्लस ए लिख दिए,
और तुमको पता है ए प्लस एन माइनस वन डी क्या है, ए एन लास्ट टर्म, तो ये क्या है ए एन और ए क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं साथ में, एन बाई टू, या तो इस वाले को यूज़, या तो इस वाले को यूज़ कर लो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर इस वाले को यूज़ कर लो एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सम ऑफ कैसे लिख सकते हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर क्या लिख सकते हैं एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ और इसका यूज़ कब करना है, अब देखो जैसे जैसे तुमको एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, कि मान लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, ये दिया हुआ है तुमको मान लो, तो तुमको देख रहा फर्स्ट टर्म भी दे दिया और इसका बोल रहा सम निकालना है, तो तुमको फर्स्ट टर्म भी दे दिया और लास्ट टर्म भी दे दिया, तो डायरेक्ट क्या करो इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें पुट करेगा तो क्या होगा, एन कितना है 1 2 3 4 5, तो 5/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 9, ठीक है, तो 5/2 × 10, 2 5 5 × 5 25 आ गया। इसको ऐसे भी जोड़ लो, 3 1 4 5 4 9, 9 7 16 और 16 9 25, ऐसे भी ये 25 होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर तुमको इस तरह से लिख के दे दे 1 + 3 + 5 अ प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये बोल दे क्वेश्चन, देखो दो तरह से पूछा रहा है, एक तो तुमको पांच टर्म दे दिया और सम पूछ लिया, तब तो तुम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो वैसे निकाल लिया। अगर तुमको सिर्फ इस तरह लिख के डॉटेड दे दिया और तुमसे वो बोल दिया क्या कि अब तुम हमको बताओ कि अप टू पांच टर्म तक का सम क्या होगा, मतलब तुमसे ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, एस फाइव बता दो क्या होगा, क्या पूछे समझ में आया, अप टू फाइव टर्म तक का इस सीरीज का, इस वाले सीरीज का अप टू फाइव टर्म तक का सम बता दो, मतलब तुमको बोल रहा है क्या एस फाइव बता दो, तो तुमको दिख रहा है एन के जगह क्या है 5, तो यहाँ क्या लिखो 5/2, ठीक है। इस फार्मूला से चल रहे हैं हम लोग, इस वाले फार्मूला से 2 लिखो, ए कितना है, ए यहाँ 1 है, अब यहाँ देखो लास्ट टर्म हमको पता नहीं है तो इसलिए इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, इस वाले फार्मूला को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करते हैं जब हमको लास्ट टर्म पता ही नहीं है। अब ए यहाँ पे क्या है 1, तो इंटू 1 प्लस एन माइनस वन डी, तो तुमसे कहाँ तक का पूछ रहा है ये 5, तो 5 माइनस वन डी कितना हो गया 4 डी, डी कितना आया था डी कितना था चेक कर लो, 3 - 1, डी कितना हो गया 2, तो 4 × 2, 5/2, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, तो देखो ये भी आ गया 5/2 × 10, ये भी कितना हो गया 25, और अभी ये भी 25 था क्योंकि ये भी 5 टर्म तक का सम दिया हुआ था, और यहाँ भी हमसे पूछ रहा 5 टर्म तक का सम। बात है समझ में, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करके देखो, और नहीं आया तो फिर हमको बताना।